अक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का। अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ